पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर सिंगर और डिस्को किंग बप्पी लहरी। नम आंखों से दी गई बप्पी दा को अंतिम विदाई। अपने आखिरी सफर पर सबकी आंखों में आंसू देकर चले गए बप्पी लहरी। बेटे बप्पा ने रोते हुए दी पिता बप्पी को मुखाग्नि, तो पिता के जाने से बदहवासी में फूट फूट कर रोई उनकी बेटी रीमा। ये जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। देश के लाजवाब सिंगर बप्पी दा के अंतिम सफर में चाहने वालों के आंसुओं का मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। पापा पापा कहकर रोती बिलखती दिखी उनकी बेटी रीमा। आखिर बप्पी दा ने अपनी आखिरी सांसें अपनी बेटी रीमा की बाहों में ही जो ली थी, वही बेटे को थामते दिखे पंडित। दरअसल मंगलवार का दिन पूरे देश के लिए बेहद दुख भरा रहा। बीमारी से लड़ते हुए बप्पी लहरी जिंदगी से जंग हार गए। मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। मंगलवार 15 फरवरी को रात 11:45 पर 69 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हो गया था। लेकिन अगले दिन यानी बुधवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके बेटे बप्पा लहरी अमेरिका में थे और वे बुधवार देर रात ही मुंबई पहुंचे। ऐसे में आज सुबह 10 बजे पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सफेद फूलों से सजी चिता पर बप्पी लहरी के पार्थिव शरीर को रखा गया। बप्पी दा का पार्थिव शरीर पवन हंस शमशान घाट में पहुंचा, उसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बप्पी दा का पूरा परिवार इस दौरान वहां मौजूद रहा। विदेश से देर रात ही लौटे बप्पी दा के बेटे बप्पा ने उन्हें मुखाग्नि दी। पिता के जाने का गम उनके बेटे के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। बप्पा से मानो उनके कदम पिता की चिता की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। वहां मौजूद पंडित उन्हें सहारा देते दिखाई दिए। मंत्र उच्चारण से बप्पी दा को विदा किया गया। उनके बच्चों पर जैसे गम के बादल टूट पड़े हों। बप्पा लहरी अपने पिता के काफी करीब थे, वे अपने पिता को आइडल मानते थे। बप्पी के निधन से उनका पूरा परिवार टूट गया है। बता दें कि जिस ट्रक में बप्पी के पार्थिव शरीर को लाया गया, उसे भी पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। ट्रक के ऊपर बप्पी दा की एक बड़ी तस्वीर लगाकर उस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी लिखा गया। बप्पी दा के घर लाहड़ी हाउस से शमशान गृह की दूरी तकरीबन 2.6 किलोमीटर है, जो सामान्यतः 10 मिनट में ये रास्ता तय किया जा सकता है। लेकिन बप्पी दा के चाहने वाले उन्हें विदाई देने आए तो वक्त लंबा जरूर हो गया। जुहू के लाहड़ी हाउस से बप्पी दा का पार्थिव शरीर विले पार्ले के पवन हंस स्थित शमशान गृह के लिए खुले ट्रक में फूलों से सजा कर ले जाया गया, ताकि राह चलते लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। ठीक उसी तरह से जैसे लता मंगेशकर के अंतिम सफर के दौरान हुआ था। बप्पी दा के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से भी कई स्टार्स शामिल हुए। भूषण कुमार, शक्ति कपूर, निखिल द्विवेदी, अलका याग्निक, शिखर सुमन समेत कई स्टार्स ने शमशान घाट पहुंचकर बप्पी दा को आखिरी सलाम किया। बहरहाल 69 साल के बप्पी दा को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। भले ही उगते सूरज में बप्पी दा को विदाई दी गई, लेकिन इसके साथ इंडस्ट्री का सबसे चमकदार सितारा भी हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया।